For your beautiful words. It's always a pleasure. We'll be right back.
कहना चाहूँगा कि दुबई प्रॉपर्टी शो जो है वो एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है लोगों की यहाँ पर, यहाँ से दुबई में इन्वेस्ट करने के लिए, जो लोग दुबई से जुड़े हुए हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो अपना एक नया घर लेना चाहते हैं, एक दूसरा घर लेना चाहते हैं उसके लिए। और सुमनसा का जो एग्जीबिशन है और सुमनसा प्रॉपर्टीज़ और दुबई लैंड डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ये अपॉर्चुनिटी हमको मिल रही है, जहाँ पर हमको बहुत से अच्छे चॉइसेस और राइट डिसीजंस लेने मिल रहे हैं। दुबई एक बहुत अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है। अभी इंडिया का और दुबई के साथ जो बिज़नेस का व्यवहार है वो काफ़ी सालों से चल रहा है, काफ़ी सालों से लोग दुबई जाते हैं। एक मैं खुद अपने बारे में बताता हूँ कि मैं दुबई से बहुत प्यार करता हूँ। मैं पहले कुछ साल पहले ये सोचता था कि अगर मेरा कहीं भी घर हिंदुस्तान के बाहर हो तो वो शायद लंदन में हो या अमेरिका में हो, लेकिन अब जब मैं लास्ट 20 साल से रेगुलरली दुबई जाता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर मेरा कहीं पर भी घर हो वो दुबई में हो, दूसरा घर दुबई में। सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो आपका बिजनेस हो, एजुकेशन हो, चाहे आपके कोई भी एंटरटेनमेंट की भी चीज़ें हैं, अभी फिल्में भी हमारी काफ़ी शूट होती हैं। बाकी सेफ है, सिक्योर्ड है और खूबसूरत है, हर किस्म के लोग हैं वहाँ पर, 220 कंट्री के लोग वहाँ रहते हैं, तो कल्चरल भी हमारा एक मिक्स रहता है, तो एक कॉस्मोपॉलिटन कंट्री, कॉस्मोपॉलिटिकल प्लेस जैसा फीलिंग आता है। तो इट्स अ वेरी वंडरफुल प्लेस टू बी इन एंड टू लर्न एंड टू एंजॉय। हाँ, आज बहुत टेम्प्ट हो गया हमें, क्योंकि इतनी खूबसूरत प्रॉपर्टीज़ हैं और इतने अच्छे डेवलपर्स हैं और उनके पास इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं कि काश मैं सोचता मैं बिलियनर होता है ताकि मैं हर जगह कुछ ना कुछ लेता, लेकिन हमारे साजिद भाई हैं जो सुमनसा से हैं, जो मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी सालों से, इंडियन प्रॉपर्टी शो करता हूँ मैं इनके साथ दुबई में, अभी दुबई प्रॉपर्टी शो हम यहाँ कर रहे हैं, एंड ये मुझे गाइड करेंगे, ये मुझे बताएंगे कि अगर लेना है तो कहाँ लेना है, कैसे लेना है। जी, ये इवेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और मुंबई ऐसी जगह है जो दुबई रियल एस्टेट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कि हिस्टोरिकली पिछले 4-5 साल में दुबई रियल एस्टेट मार्केट में द हाईएस्ट इन्वेस्टर्स आर इंडियन नेशनल्स। पिछले 6 महीनों में उन्होंने ऑलरेडी 13,000 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है रियल एस्टेट में। तो ये हम लोगों का एक एफर्ट है कि वी क्रिएट दिस प्लेटफॉर्म विच इज़ अ मेल्टिंग पॉइंट वेयर द एग्जिबिटर्स, जो कंपनीज डेवलपमेंट्स हैं, वो अपनी एग्जिबिशन में उसको डिस्प्ले कर सकें, दिखा सकें और यहाँ के इन्वेस्टर्स को बता सकें कि दुबई में कैसे कैसी प्रॉपर्टी आ रही है, क्या प्राइसिंग है। और विजिटर के लिए अच्छा है, उसको दुबई नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ पे आएंगे तो उनके बहुत सारी ऑप्शंस हैं, सेमिनार्स हैं, उनको खुद एजुकेट हो सकते हैं कि क्या सेफ्टी है, कैसे उनका पैसा गवर्नमेंट मॉनिटर करता है कि कहीं सही डेवलपमेंट में जा रहा है या कहीं मिसयूज़ नहीं हो रहा है, उनकी पर स्क्वायर फीट रेट काफ़ी अफोर्डेबल है, क्योंकि दुबई रियल एस्टेट बहुत यंग है, इट हैज़ ओपन टू फॉरेन नेशनल्स ओनली अबाउट 14 ईयर्स बैक, सो इट इज़ स्टिल गॉट द पोटेंशियल टू रीच वेयर लंडन एंड न्यूयॉर्क इज, सो इट्स अ राइट टाइम। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू कम एंड विजिट द शो, एंजॉय। देखिए, दुबई में हर 3 महीने में या हर 4 महीने में कोई नया नया प्रोजेक्ट अनाउंस होता है, तो पिछले साल में जो जो प्रॉपर्टीज़ आपने डिस्प्ले में देखा होगा उसमें शायद ही कोई इधर वापस आया होगा, क्योंकि ऑलरेडी अब तक वो बिक चुका होगा। यहाँ पे आज जो है लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, नए गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे दुबई ने अभी रिसेंटली दुबई कनाल ओपन किया है, इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट इन दुबई, सो यू विल फाइंड प्रॉपर्टीज़ अराउंड दैट, यू विल नो कि अगले 3 साल में क्या होने वाला है, सो इट्स अ वेरी अपडेटेड रियल एस्टेट मार्केट। देखिए, जहाँ तक डीमोनेटाइजेशन है वो उसकी डिसीशन और फॉरेन प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स आर टू डिफरेंट थिंग्स, क्योंकि कि जो जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे, पर्टिकुलरली व्हेन यू बाय अ प्रॉपर्टी अब्रॉड, इट्स अ कैशलेस ट्रांजैक्शन, आप बैंक से पैसा ट्रांसफ़र करोगे डेवलपर के अकाउंट में, और एज अ इंडियन गवर्नमेंट आपको लिबरल रेमिटेंस स्कीम से $250,000 की एलिजिबिलिटी है पर ईयर आपको रेमिट करने के लिए फॉर प्रॉपर्टी परचेस। हाँ,
लोगों के मन में थोड़ा बहुत सोच होगा कि आप कैसे करें क्या करें, बट देर इज़ एन ऑप्शन कि आप $250,000 तक पर ईयर यू कैन ट्रांसफर। तो अगर आप ऑफलाइन प्रॉपर्टी लेते हैं तो $500,000 तक खरीद सकते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ के नाम पे ले लिया तो अबाउट $1 million तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन जो अवेलेबल है वो एब्सोल्युटली लीगल है, कैशलेस है और ऑथेंटिकेटेड ऑप्शन है। तो आपको अगर इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो हमारे पास इसके बाद सेमिनार्स हैं, या प्रॉपर्टी बायर्स उनके खुद के चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछ सकते हैं और उनको पता चलेगा कि देयर इज नथिंग टू डू विद डीमोनेटाइजेशन। नोट है किधर है जो उसका असर पड़ेगा? नोट तो आना बाकी है। नहीं, हम जॉइंट फैमिली में तो नहीं रहते हैं, सब अलग रहते हैं, एक बड़े क्लोज नेट फैमिली है। मेरा घर अलग है, मेरे भाई का घर अलग है, सलमान सलमान ठीक है, कई सालों तक रहते थे। बट अगर आप बात करते हैं दुबई में, अगर जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अगर मुझे मुंबई के बाहर अगर कहीं और घर लेना है, मेरा दूसरा घर और किसी अलग कंट्री में लेना है, तो दुबई के अलावा मुझे इस वक्त कोई जगह नहीं समझ में आता है, क्योंकि मुझे दुबई बहुत पसंद है, वहाँ के लोग पसंद है, वहाँ का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पसंद है, जो चीज़ें फैसिलिटीज़ मिलती हैं वहाँ पर पसंद है, हर किस्म के लोग हैं हर किस्म, तो दुबई इज़ द प्लेस दैट आई वांट टू बाय। बट इट्स नॉट अ वेरी इजी चॉइस टू बाय इन दुबई फॉर द सिंपल रीज़न कि दुबई में बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत अच्छे एरियाज़ हैं, बहुत, तो दैट डिसीजन इज़ अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन टू मेक। तो उसके लिए ऑब्वियसली आई वुड लाइक यू नो समबडी लाइक साजिद भाई हु इज बीन अराउंड, हु अंडरस्टैंड्स द प्रॉपर्टी मार्केट। सो इफ इन केस आई एम लुकिंग फॉर अ होम, then it will be a very planned and long drawn decision, because it is not something that is going to be impulsive unless something spectacular comes. But kis kisam ka ghar, itna jitne mein aaram se reh sake, ghar to chahe aadmi aap bahut bada bana le, lekin main usme se believe karta hu ki aapke ghar ke sare kone aapko dekhna chahiye, kyunki kabhi kabhi ghar itne bade hote hain kamre aap dekh nahi pate ho, koi 15-20 कमरे हो या पता चला आप उस कमरे में घुसते ही नहीं हो, ना सामान पड़ा रहता है या कुछ और ही होता है। यू शुड बी एबल टू एक्सेस योर हाउस ऑल डिपार्टमेंट विच यू यूज़, ओके, चाहे आपका वो ड्राइंग रूम हो या आपका बेडरूम हो या किचन हो या लिविंग रूम हो या डेन हो या वट एवर, इट शुड बी एक्सेसिबल टू यू, शुड बी लिव्ड इन, इट शुड नॉट बी देयर। सो आई बिलीव इन दैट मच स्पेस, इट शुड हैव अ ग्रेट व्यू एंड इट शुड नॉट बी लुक्ड इन टू। मेरा एक बहुत सिंपल फंडा है कि हमारे बहुत से घर हैं जो हमारे बॉम्बे में हैं या घर में, कि मतलब आपने हाथ बाहर डाला तो दूसरे का टॉवल आप ले सकते हो। तो वो जो है ना कि वो यह पता चला आप कुछ कर रहे हो तो दूसरे की खिड़की से आपको कोई देखा है। एक प्रिवेसी जो होता है, घर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको प्रिवेसी की ज़रूरत होती है। दुबई हैज़ अ लॉट ऑफ दोज एरियाज़ वेयर वंस यू आर इन योर हाउस देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रिवेसी।